टीवी इंडस्ट्री की क्वीन एकता कपूर का एक बड़ा डबल गेम जो है वो सामने आया है नागिन 6 को लेकर। नागिन 6 को हर हालात में जो है वो हिट बनाना चाहती हैं टीवी की क्वीन एकता कपूर, क्योंकि नागिन सीरीज जो है उसको प्रोड्यूस करती हैं एकता कपूर, और एकता कपूर जो है उनका सपना है कि नागिन 6 जो है नागिन सीजन 1 के सारे रिकॉर्ड को जो है वो पूरी तरह से तोड़ दें। हालांकि नागिन 6 की टीआरपी, ऑनलाइन टीआरपी और बार्क रिपोर्ट दोनों में जो है वो काफी शानदार प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन एकता कपूर की एक्सपेक्टेशन नागिन 6 से कुछ ज्यादा ही है। और साथ ही साथ एकता कपूर का ये बड़ा दाव जो है नागिन 6 को दिलाएगा बम्बार टीआरपी। नागिन 6 जो है नागिन सीजन 1 के रिकॉर्ड को भी पूरी तरह से तोड़ देगा। क्या है डबल गेम एकता कपूर का, ये बात आप सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं दोस्तों आज के खास रिपोर्ट में। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल क्विक टीवी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाया है तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। चलिए आपको बताते हैं आज के खास रिपोर्ट में यही बात। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं दोस्तों कि एकता कपूर जो है, एकता कपूर उन्हें हर वक्त पता होता है कि किस समय ऑडियंस जो है क्या देखना चाहते हैं। आपको बताना चाहते हैं नागिन 6 की कहानी में प्रथा काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, यानी कि प्रथा के किरदार में तेजस्वी प्रकाश जो है पूरी तरह से जच गई हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। महक के किरदार में महक चहल जो है वो काफी अच्छा कर रही हैं, लेकिन सिम्भा नागपाल जो कि ऋषभ के किरदार में नजर आ रहे हैं वो उतना सूट नहीं हो रहे हैं, ना ही उनकी जो डिलीवरी है डायलॉग डिलीवरी है ना ही वो सूट हो रहा है, ना ही बॉडी एक्शन और ना ही प्रथा के साथ उनकी केमिस्ट्री को जो है उतनी ज़्यादा जम पा रही है। तो आपको बताना चाहते हैं दोस्तों यहाँ पर एकता कपूर ने इसी को लेकर खेला है सबसे बड़ा डबल गेम, प्रथा की अतीत की कहानी को जो है वो दिखाना है एकता कपूर को, और अतीत में भी एक प्यार होगा। और साथ ही साथ आपको बताना चाहते हैं सिम्भा नागपाल पर बड़ा दाव उन्होंने खेल तो दिया है, अगर सिम्भा नागपाल को पसंद किया जाता है ऑडियंस की तरफ से तो तब तो सही है, सिम्भा नागपाल जो है पूरी तरह से जम गए तब तो सही है, नहीं तो सिम्भा नागपाल को विलन बनाएंगी एकता कपूर, और एकता कपूर सिम्भा नागपाल को विलन बनाएंगी और दूसरे बड़े एक्टर करण कुंद्रा की एंट्री करवाने के लिए एकता कपूर जो है वो प्लानिंग बनाकर ऑलरेडी जो है वो रख चुकी हैं। एकता कपूर जो है वो करण कुंद्रा के काफी अच्छे दोस्त हैं, करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश का रिलेशन चल रहा है, रिलेशनशिप में है दोनों, और दोनों की जोड़ी को जो है टीवी स्क्रीन पर एक साथ देखना चाहती हैं यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि जनता। तो जनता की डिमांड को इस तरह से पूरा करने के लिए एकता कपूर ने ये डबल गेम बनाया है। करण कुंद्रा की भी एंट्री होगी, लेकिन कब होगी नागिन 6 में ये अब तक पता नहीं चला है, लेकिन हाँ ये बड़ा डबल गेम जो है सोर्सेस हमें बता रहे हैं एकता कपूर की ये बड़ी चाल है। और अगर करण कुंद्रा की एंट्री होती है तो टीआरपी तो बहुत ज़्यादा मिलनी है मतलब नागिन 6 को, और कहानी तो सुपर डुपर हिट होनी ही है, और इस तरह से एकता कपूर जो है ज़्यादा टीआरपी जो है वो बटोरेंगी। आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ क्विक टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट।